अगमी गोत विच जुड़ बैठी गुरु रूप सात संगत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये वक्त ये समा साढ़े सामने है। समा जो है वक्त जो है उसनू कोई भी वस नहीं कर सकता। समा वक्त जो उसकी रफ्तार है वो अपनी रफ्तार दे नाल चल रहा है। समय दे विच जो चीज़ आउंदी है वक्त ने समय ने उसनू लैना भी है। जो जीवन है ये भी समय दे विच है। जे वक्त तो समय तो बाहर है कोई वो मालक है अकाल पुरख है। सो इसे वास्ते ही सतगुरु की पवित्र बाणी गुरु का उपदेश सानू अकाल पुरख के नाल जोड़ता है। जिमें जिमें असी गुरु नाल बाणी नाल जुड़ते हाँ उपदेश नू समझ के मन में वसाते हाँ फिर इस समय का जो असर है प्रभाव है वो मन पर हुंदा है। असी मनुखी जीव हाँ इस समय तो उपर ते अकाल पुरख है। सो उस अकाल पुरख के जीवन के कोई भय नहीं कोई दुख नहीं कोई गम नहीं। हाँ जो समा है वो साढ़े मनुखी जीवन के उत्ते वरतदा है पर बहुत बारी असी गुरु नाल अकाल पुरख नाल जुड़ जाइए तो उस समय का वक्त का साढ़े मन उत्ते इन्ना गहरा प्रभाव नहीं पैंदा। असी समय नू वेख के दुखी नहीं हुंदे उस अकाल पुरख के शुगर में आ जाते हाँ। पर बहुत कठिन है जिसकी वस्त सोई लै जाएगा रोस किसे स्यों की जय गुरमुख होए सो पाणा मने सहजे हर रस पीजे। ये वचन गुरु पातशाह ने सानू अडोलता देंदे हन जीवन का एक संजम देंदे हन। पर इन्हां वचनां नू पढ़ लैना सुन लैना बहुत ही आसान है। इन्हां ते असर करना इन्हां नू मन लैना इस जीवन नू गुरु दे उपदेश मुताबक बना लैना एक बहुत उच्ची अवस्था है। ये अकाल पुरख की कृपा के नाल ही असी इस अवस्था में पा सकते हाँ। बाकी ये बहुत मुश्किल है पर ऐसा समा दुख का समा जो साढ़े जीवन में आता है साढ़े सामने है बहुत बारी असी बयानबाजी करते हाँ बड़ी आसानी है पर जो सहन करन का समा आता जिस तरह ज्ञानी जी दस रहे सन वो वक्त वो समा फिर वो ही जान सकता है। तो मैं उस अकाल पुरख के चरणों में बेनती ही की अरदास की उस गुरु ने मैं समझदा सानू बहुत वड्डी बख्शिश करके उसने हिम्मत दी बल दिता कि असी इस एडे वे दुख का सामना कर सके। तो इस तो बाद आप रब वर्गिया संगत गुरु के मेरे प्यार वाले सारे मित्र दोस्त तो गुरु की संगत के रूप में आप सारे इतने पहुँचे हो तो मैं इस गल का मेरे मन के उत्ते बहुत वड्डा प्रभाव है कि आप जी ने बच्चे की तंदुरुस्ती वास्ते बहुत सारे अखंड पाठ किए बाणी के जाप किए एक एक मेरे गुरु के प्यार वाल ने अरदासा कीतियां। तो मैं इस गल का पूर्ण भरोसा है कि वह अरदासा उस पास से कबूल नहीं हो सकिया पर उन्होंने अरदासा के बाणी के सिमरन के साढ़े मन में अडोलता जरूर मिली है। साढ़े मन में जो असी डिग नहीं सके क्योंकि अमेरिका दे विच बच्चे दे जान दा दुख सी उस तो वड्डा ये दुख सी कि असी कल्ले हाँ कोई आजू बाजू नहीं सी। तो इस वास्ते मन डिगदा सी डोलदा सी तो वो जो समा सी उत्थे गुरु ने साड़ी रक्षा कीती। तो आप संगतां दी अरदासां गुरु की बाणी दा सिमरन जो आप जी करके साढ़े वास्ते बच्चे वास्ते अरदासां कीतियां वो अरदासां एवें हवा च उड़न वाली गल नहीं कोई भावना के नाल सिरक के नाल इस गुरु के चरणों में बेनती करता है अरदास करता है बाणी का सिमरन करता है वो बहुत उच्ची गल है छोटी गल नहीं उसका बहुत वड्डा असर है। सो मैं इस भरोसा है कि आप दी अरदासा आप जी ने सिमरन किए हुए सदा वास्ते साढ़े नाल ने तो गुरु का जो अटल भावना है इसन सहन करने वास्ते अरदासा तुहाडी बाणी दे जाप सदा वास्ते सानू हिम्मत दिंदे रहणगे ते सदा ही असी तुहाडी अरदासां दे नाल गुरु दी सिमरन दे नाल चढ़दी कला विच जीवन बतीत करांगे। तो आप सारयां दा मेरे पास कोई भी लफ्ज़ नहीं जिन्हां नाल मैं आप जी दा धन्नवाद करां। गुरद्वारा साहिब दी प्रबंधक कमेटी
गुरु के प्यार वाले सारे ही आप रब्बी रूप हो, गुरु की संगत का रुतबा बहुत उच्चा है। तो करीब मैं 35-40 साल आप जी के नाल बैठन का, आप जी की संगत का सेवा करन का सुभाग गुरु ने दिता है। तो ये छोटी गल नहीं, मैं समझदा हाँ इतने भी गुरु दे बख्शिश है। कोई मैं जान बुझ के अपनी चतराई के नाल, अपनी किसी वडियाई के नाल कुछ नहीं कर सकता। तो ये अकाल पुरख की कृपा है, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का साढ़े ते रहम है, तरस है, जिसकी बदौलत आप सारे मैं प्यार करते हो, असीसा देंदे हो। तो इसकी बदौलत ही मैं समझदा हाँ गुरु ने मेरे ते एड्डी वड्डी बख्शिश की है कि मैं एक अनपढ़ बंदा हाँ। ये बच्चा छोटी उम्र के बच्चे वो पढ़ते सन, बच्चा डॉक्टर है, एक रमीत सिंह, दूजा राजन सिंह, तो ये सारे ही बच्चे बड़िया उच्चे उच्चे रुतबिया के हैं। तो बच्चा गुरप्रीत भी इन्हों क्लास फैलो से। तो मैं गुरु का, गुरु दिया संगतों का ये आशीर्वाद समझदा हाँ कि तुहाडे आशीर्वाद की बदौलत ही इस बच्चे नू इस मुल्क दे विच बहुत वड्डी उच्च कोटि की जो विद्या है गुरु ने बख्शिश की। तो ये बच्चा एजुकेशन बहुत हिम्मत दे नाल ये पढ़िया, तो बहुत चंगे नंबरां दे विच ये पास हुंदा रहा। तो डिग्रियां कीतियां, उस तो बाद जिवें बच्चा ने दस्सिया है कि एक कंपनी ज्वाइन की, तो उस कंपनी दे विच USA दे विच लॉस एंजलिस के अंदर बहुत वड्डी कंपनी है, हजारों की तादाद के अमेरिकन इस बच्चे के नाल काम करते सन। तो मैं इस गल का माण है कि बच्चा अपनी लाइफ के बहुत ही कामयाब होया है। तो इस दे नाल नाल जिथे गुरु ने इस ते साढ़े ते बख्शिश की कि इन हर पक्ष तो गुरु ने खुशी वाला जीवन बख्शिया, हर पक्ष तो गुरु ने इसकी बांह फड़ी। तो जिथे एजुकेशन अते होर बहुत उच्चे रुतबे मालिक ने इस नूं बख्शिश किए, उस दे नाल नाल मेरे मन में सब तो वड्डा सुकून है कि हजारा ही अमेरिकन लोगों के नाल काम करता सी, पर एक कला एक गुरु कक्ष सिख सी जो दाढ़ी केसां दे विच पूर्ण ने अपनी यात्रा संपूर्ण की है। तो इस दे नाल नाल मैं ये गल कहण तो भी नहीं झिझकदा कि इसने बच्चे ने लव मैरिज अपनी मर्जी ना की, पर वह बच्ची भी रब रूप है, भावें हिंदू घराने के विचों है, पर इस सिखी स्वरूप के रहने वास्ते उस बच्ची ने बहुत मदद की है। तो उसका भी मैं दिलों धन्यवाद करता हाँ। तो गुरु के चरणों में अरदास है, आप सारिया संगतों को मेरी बेनती है कि आप जी अरदास करो कि असी इसी तरह ही गुरु के इस बाणी को सहन कर सकीए। तो आप जी सारे का बहुत बहुत धन्यवाद जी। पुरजुग दी खिमा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।